हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस जो है हमारे बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को समझने से पहले हम एंजाइम्स का जो फंक्शन होता है, उसका बेसिक वर्क फंक्शन है, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले वीडियोज में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिकली जो हमारा एंजाइम होता है, कोई भी एंजाइम जो होगा, वो सब्सट्रेट के साथ जो है फॉर्मेशन करता है। एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये जो है एंजाइम अलग हो जाता है हमारा, एंड हमारा प्रोडक्ट जो है हमको प्राप्त होता है। तो ये बेसिक फंक्शन है एंजाइम का, किसी भी सब्सट्रेट के साथ जुड़ के एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, उसके बाद हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एंजाइम अपने फिर से जो है जिस फॉर्म में वो सब्सट्रेट के साथ जुड़ा होता है उसी में वापस आ जाता है। तो ये बेसिक फंक्शन है एंजाइम सब्सट्रेट का। सो यहाँ पे जो है एंजाइम होगा, सब्सट्रेट से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसका एक बेसिक पार्ट है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। सो द इंड्यूस्ड फिट मॉडल वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय कोसलेन इन 1958 टू एक्सप्लेन द प्रोटीन कंफर्मेशनल चेंज इन बाइंडिंग प्रोसेस। सो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को सबसे पहले प्रपोज किया था कोसलेन ने 1958 में, ये एक्सप्लेन करने के लिए जो बाइंडिंग प्रोसेस होगा एंजाइम एंड सब्सट्रेट का, उसका जो प्रोटीन कंफर्मेशनल होगा उसमें किस प्रकार चेंजेस होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोसलेन ने ये मेथड्स, ये मॉडल प्राप्त किया था, सॉरी एक्सप्लेन किया था। सो उन्होंने क्या किया था, द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर, उन्होंने अपने जो मॉडल के जो थ्योरी में उन्होंने बताया था कि द एंजाइम मॉडल आर एन इंट्रैक्ट फॉर्म टू बिकम एक्टिव दे मस्ट अंडरगो अ स्लाइट चेंज इन स्ट्रक्चर टू मोर स्पेसिफिक टू अकोमोडेट अ सबस्ट्रेट। तो उन्होंने क्या बताया कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उसका जो एक्टिव साइट्स होगा, वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस होता है ताकि सबस्ट्रेट को वो इजिली जो है उसमें दोनों कंबाइन कर सकें। तो ये डायग्राम से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो द एक्टिव साइट कैन बी स्लाइट मॉडिफाई एज अ सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद द एंजाइम। तो ये आप देख सकते हैं, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। तो ये एंजाइम का जो है ये एक्टिव साइट, इसको कहा जाता है, ये एक्टिव साइट है एंजाइम का। तो आप इस दोनों में देख सकते हैं डिफरेंस। ये जो हमारा सब्सट्रेट है इसका ये थोड़ा इसका जो ये अलग है, एंड ये त्रिकोण टाइप से इसका जो जगह है जहां पे सब्सट्रेट जाके कंबाइन होगा, ये डिफरेंट है। तो ये एंजाइम क्या करता है, अपने एक्टिव साइट में जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है उसको, थोड़ा सा जो है स्लाइट चेंज हो जाता है उसमें, जिससे ये सब्सट्रेट जो है आसानी से जाके इसके अंदर कंबाइन हो सके। तो एंजाइम चेंज इट्स शेप स्लाइटली फॉर फिट द सब्सट्रेट। तो ये एंजाइम अपना जो है ये चेंज करता है शेप, जिससे सब्सट्रेट जो है इजिली उसमें कंबाइन हो जाता है। उसके बाद ये हमारा जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन का टाइम आता है तो ये फिर से जो हमारा एंजाइम्स होगा वो अपने पहले जैसे जो जिस ओरिजिनल शेप में होगा उसी शेप में आ जाता है, एंड हमको ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस का। सो द एंजाइम चेंज शेप टू इनहेंस द एबिलिटी ऑफ द एंजाइम टू कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन। सो एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होगा कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो है वो कैटलाइज करता है, उसको उत्प्रेरित करने का कार्य करता है किसी भी रिएक्शंस को। तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये बेसिकली इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस जो मॉडल है ये बताता है कि जो जो स्लाइट चेंज होगा एंजाइम में, एंजाइम के शेप में, वो इनहेंस करता है एंजाइम के एबिलिटी को कैटलाइज करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शंस को। तो ये बेसिक इसका आप एप्लीकेशन समझ सकते हैं। एंड द एंजाइम रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिएक्शन अकर्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजाइम जो है फिर से रिटर्न बैक होता है सेम ओरिजिनल शेप में रिएक्शंस होने के बाद, हमको प्रोडक्ट प्राप्त होने के बाद। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को, जिन्होंने जिसको कोसलेन ने दिया था सन 1958 में। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। सो बस यही था इस टॉपिक का एनालिसिस। अगर आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैंडमेड नोट चाहिए तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा पीडीएफ स्टोर का, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।